हेलो फ्रेंड्स, आज मैं मिलवाना चाहती हूँ आपको एक खास इंसान से हु इज ऑल्सो बीन अ क्लोज फ्रेंड एंड अ कोलीग, और ही इज द हैप्पीएस्ट एंड मोस्ट पॉजिटिव पर्सन आई नो। उनकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा है जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, एंड ही इज नन अदर देन डायरेक्टर ऑफ द फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे, एंड आई रियली वेलकम हिम मिस्टर भूपेंद्र कैंथोला। हेलो भूपेंद्र, हाउ आर यू? I'm fine, thank you. Thank you for inviting me. Bhupendra, since I've known you for so long, I know that there has been so much in your life which is inspirational, and आपने बहुत सारे struggles को face करके आप इस मुकाम पे पहुंचे हैं। तो आप अपनी early life के बारे में कुछ बताइए, आपने civil services कैसे crack किया? Early life, मेरी पैदाइश है कोलकाता की, और जब मैं 4 साल का था तब हम लोग कोलकाता से, मुंबई के पास एक शहर है मुंबई के पास ठाणे, तो हम लोग ठाणे आ गए थे। तो उसके बाद मेरी जो स्कूलिंग है वो ठाणे में हुई। स्कूलिंग के बाद कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो है वो मैंने मुंबई में अपनी पढ़ाई की, मुंबई यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की। मेरा ग्रेजुएशन जो है वो तो साइंस सब्जेक्ट में था, फिजिक्स में, लेकिन ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर तक आते आते मुझे लगा कि ये मेरा करियर नहीं हो सकता, मेरा उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। तो मैंने एक बड़ा कदम उठाया और ग्रेजुएशन साइंस में करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मैंने आर्ट्स में एनरोल किया। तो मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी मुंबई यूनिवर्सिटी में फिर एमए में एनरोल किया, एमए पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, और वो पढ़ते हुए ही मैंने फिर वो कोर्स मैंने पूरा किया यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएट। 1988 में मेरा पूरा हुआ। उसी साल मैंने सिविल सेवा की परीक्षा लिखी और 1989 में मैंने भारत सरकार की ये नौकरी ज्वाइन कर। तो जब आपने ग्रेजुएशन लेवल पे अपने सब्जेक्ट्स चेंज किए तो उसका कोई विरोध नहीं हुआ या उससे आपको कोई मुश्किल नहीं हुई? विरोध तो काफी हुआ क्योंकि आठ सब्जेक्ट नॉर्मली एमए तो नॉर्मली लड़कियां करती हैं, ऐसे मुझे बहुत लोगों ने बताया और कहा कि जिसको कोई काम नहीं होता वो एमए करता है। लेकिन मुझे पता था कि मतलब ग्रेजुएशन फिजिक्स में करने के बाद भी मुझे नहीं लगता था कि मेरा मेरा मन उसमें, मेरा दिल उसमें लगा है। तो मैंने पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस लिया, और जब आप आर्ट्स साइंस से आर्ट्स में शिफ्ट करते हैं तो मुंबई यूनिवर्सिटी में एक आपको एक अलग एग्जाम लिखना होता है जिसको कहते हैं चेंज ऑफ फैकल्टी एग्जाम। अच्छा। क्योंकि ऐसे ही कोई भी एमए में एनरोल नहीं कर सकता। अगर आपने बीए किया है तब तो एमए में आपको ऑटोमेटिक एनरोलमेंट मिलता है, यदि आपने बीकॉम या बीएससी किया है तो उसके बाद आपको एक एग्जाम लिखना पड़ता है, वो एग्जाम है चेंज ऑफ फैकल्टी। तो मैंने वो इम्तिहान लिखा और उसमें मैं पास हो गया और मैंने फिर एमए ज्वाइन किया। और फिर एमए 2 साल करने के बाद जब मैंने एमए अपना पूरा किया तब मुझे इसका पूरा कॉन्फिडेंस था कि मैंने सही फैसला उठाया, क्योंकि मैंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी टॉप किया, 3 गोल्ड मेडल लिए मैंने मास्टर्स में। तो वो इसके बावजूद कि मेरा बीए में कोई पॉलिटिकल साइंस का, मैंने बीए किया ही नहीं था, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस मुझे इतना पसंद आया कि मैंने उसमें जी जान से मैंने वो कोर्स पूरा किया और पोस्ट ग्रेजुएट मैंने टॉप किया। उसके उसी साल मैंने सिविल सेवा की परीक्षा लिखी और 1989 एक साल बाद मैं भारत सरकार की नौकरी में आ गया। तो भूपी, जो आपने अभी कहा कि जहां आपका मन था आपने वो डिसीजन लिया, सो फॉर माय यंग व्यूअर्स, कि ऐसा डिसीजन जो आपने लिया ना आपके लिए वो सफल डिसीजन रहा, तो आपका क्या राय है कि जो हमारा मन जहां होता है हमें वही फॉलो करना चाहिए या हमें ये देखना चाहिए कि सक्सेस कहां पर मिलेगी? इसमें ना 2-3 बातें ध्यान देने लायक हैं। पहली तो बात यह है कि जब हम लोग 12th स्टैंडर्ड में होते हैं ना, 12th स्टैंडर्ड पास करते हैं, उस समय हमारे मन में ये क्लियर नहीं होता कि हमें करना क्या है। अगर किसी के पेरेंट्स डॉक्टर हैं तो वो चाहेंगे कि उनका बेटा या बेटी जो है वो मेडिसिन पढ़े, इंजीनियर है तो ऑटोमेटिक एक दबाव होता है बेटे पे या बेटी पे कि अब तो इंजीनियरिंग पढ़ो, क्योंकि हमने भी इंजीनियरिंग पढ़ी है, तो पेरेंट्स की तरफ से वो दबाव हमेशा रहता है। तो 12th में हम लोग 12th के बाद क्या करना चाहिए इसको लेकर ना कुछ क्लैरिटी नहीं होती दिमाग। हम सब 12th कर चुके हैं और हम सब जानते हैं कि 12th स्टैंडर्ड में हम क्रॉस रोड्स पे होते हैं, क्योंकि हमारा अपना कोई मन होता ही नहीं है। जैसे हमारे बड़े या घर परिवार के पेरेंट्स बताते हैं या फैमिली में बड़े बुजुर्ग बताते हैं, हम वही करने चले जाते हैं। वो करते करते फिर बाद में एक समय ऐसा आता है जब हमें इसका एहसास होता है कि नहीं नहीं दिस इज नॉट माई कॉलिंग, ये नहीं है वो जो मैं करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। तो उस समय में मेरे साथ भी वही हुआ कि जब मैंने एमए ज्वाइन करने का डिसीजन लिया तो थोड़ा सा विरोध तो हुआ,
कईयों ने, मेरे दोस्तों ने भी कुछ मजाक भी उड़ाया, पर मेरे फादर समहाउ बड़े सपोर्टिव थे। उन्होंने कहा कि हालांकि वो इंडस्ट्रियलिस्ट थे और उनका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था और वो चाहते तो यही थे दिल से कि मैं भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करूं और फिर मैं उनकी तरह ही इंजीनियर बनूं, और हमारी एक फैक्ट्री हुआ करती थी उसमें वो चलाते थे उस फैक्ट्री को, तो उनका उनको ये उम्मीद थी कि मैं वही कुछ कुछ करूंगा और उनका उनका बिजनेस मैं संभालूंगा। लेकिन जब मैंने एमए करने का फैसला लिया तो सरप्राइजिंगली कोई विरोध नहीं हुआ उनकी तरफ से। उन्होंने बस एक दो बार मुझे समझाया कि तुम सोच समझ के तो कर रहे हो ना, मैंने कहा हाँ मैं सोच समझ के कर रहा हूँ। तो उनका सपोर्ट था, पेरेंट्स का सपोर्ट था और फिर उसके साथ मैंने ये कदम लिया। तो ये ना एक डिसीशन कभी कभी लाइफ में लेना पड़ता है, एक स्ट्रॉन्ग डिसीशन होता है। मुझे अब मैं कोई मतलब ये नहीं बता सकता हूँ कि यदि मैंने एमए न किया होता और बीएससी करके ही कुछ और कर रहा होता तो मैं कहाँ होता, ये बताना मुश्किल है। लेकिन मैं एक डिसीशन मैंने उस समय लिया, एक तरह का गैम्बल है वो, एक तरह का जुआ है कि मैंने चलो, लेकिन इतना लेकिन मेरे मन में ये क्लियर था कि मुझे साइंस नहीं करना, मुझे इसमें इंटरेस्ट है और मुझे ये करना है, तो मैंने बस वही किया। तो सिविल सर्विसेज आपने बिना किसी कोचिंग, बिना किसी उसके क्लियर कर लिया कि आपको बहुत सारी कोचिंग और बहुत सारी गाइडेंस लगी उसको क्लियर करने में? नहीं, सिविल सर्विस के लिए तो जैसे आपको पता है कि ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन होता है और मैं ऑलरेडी पोस्ट ग्रेजुएट कर ही रहा था, तो पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई मुझे काफी मददगार साबित हुई क्योंकि वो करते करते मेरा जो सब्जेक्ट था सिविल सर्विस में वो एक सब्जेक्ट तो पॉलिटिकल साइंस ही था, तो वो सब्जेक्ट तो मेरे एमए की पढ़ाई के साथ साथ मेरी तैयारी होती रही। दूसरा, एक गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का इंस्टीट्यूट है मुंबई में, उसका नाम है SIAC, स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव करियर्स, और उस इंस्टीट्यूट से मैंने कोचिंग ली। वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है तो वहां पर शायद मुझे तो ऐसा याद आ रहा है कि कोई फीस ही नहीं लेते थे वो। अच्छा। वहां दाखिले के लिए आपको एक एग्जाम देना पड़ता था और वो एग्जाम में यदि आप क्लियर हो गए तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र अपने खर्चे पर ऐसे 25-30 लोगों को ट्रेन करती थी। तो मैंने जाकर वो इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया और उसी साल मैं फाइनल ईयर में भी था एमए के, तो जो मेरा फाइनल ईयर था वो बहुत ही मतलब हेक्टिक था क्योंकि मैं क्लासेस अटेंड करता था यूनिवर्सिटी में और फिर ये कोचिंग के लिए जाता था अलग जगह। तो इस तरह से मैंने अपना मतलब काफी टाइम स्प्लिट किया, मतलब सुबह मैं घर से निकल जाता था 6:30-7 बजे और शाम को 9 बजे घर आता था, ये मेरा रूटीन था लगभग एक साल। तो इसलिए ये इस तरह से मैंने अपने टाइम को मैनेज किया और दोनों चीजें साथ साथ थी। भूपेंद्र, लाइक वी हैव बीन वर्किंग टुगेदर फॉर सो लॉन्ग, मैंने कई बार देखा है कि बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस आती थी करियर में, जॉब में, लेकिन आई ऑलवेज फाउंड यू टू बी वेरी कूल एंड पॉजिटिव। कोई ऐसा खास स्ट्रगल है आपकी लाइफ का जो आप मेंशन करना चाहते हैं, वेयर योर एटीट्यूड हेल्प्ड यू अलॉट? एटीट्यूड मतलब मैं तो शुरू से ही मैं बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड, मैं हमेशा कहता हूं कि मेरा ब्लड ग्रुप ही बी पॉजिटिव है। जब ब्लड ग्रुप ही मेरा पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव रहो, तो मैं तो हमेशा ही हमेशा सकारात्मक एक पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखता हूँ कोई भी चीज हो। तो इस फिलॉसफी को लेकर, ये मेरी फिलॉसफी कॉलेज के दिनों से लेकर आज तक, मतलब लगभग कॉलेज पास किए हुए भी मुझे लगभग 35 साल हो गए, लेकिन 35 वर्षों में ये मेरा माइंडसेट बिल्कुल चेंज हुआ। मैं हमेशा सोचता हूँ कि जो मुझे मिलना है मिलेगा ही, बस ईमानदारी से और पूरे 100% देकर उस चीज को अचीव करने में लग जाओ। तो यही मैंने सोचा और उसी के चलते हुए मतलब मुझे कभी कोई नेगेटिव फीलिंग मेरे अंदर आती ही नहीं है कि भाई अभी भी जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है तो लोग अक्सर सोचते हैं कि अरे इतना बुरा हो गया और मतलब घरों में बंद हो गए, ये हो गए, क्योंकि घरों में बंद होकर भी आप 10 चीज कर रहे हैं जो आपने कभी सोचा ही नहीं था। तो इसका एक पॉजिटिव पहलू है। बहुत सी लोगों की जिंदगियां सवर गई है एक्चुअली घर में रहकर, उन्होंने अपने एक अपने पहचान, एक ऐसे अपने पहलू को जाना पहचाना, अपने ऐसे ऐसे स्किल्स लोगों ने ढूंढ निकाले जो यदि ये पेंडेमिक नहीं होता और घरों में हम बंद नहीं होते तो शायद हम लोग उस चीज को नहीं देख पाते। तो इसलिए कोई चीज जीवन में बुरा नहीं होता, हर एक चीज। मेरे पिताजी अक्सर कहते थे कि देर इज नो फेलियर और बैड एक्सपीरियंस, एवरी एक्सपीरियंस इज अ गुड एक्सपीरियंस बिकॉज यू लर्न। अगर आप सीख रहे हो उस अनुभव से और चाहे वो विफलता ही है तो भी आपने कुछ सीखा है ना, तो वो सीखने में, मगर वो सीखना जरूरी है। हम एक गलती बार बार नहीं कर सकते, एक बार हमने गलती की हम सुधर गए, हम समझ गए कि ये गलत हुआ, उसके बाद उसको रिपीट नहीं करना है।
और इस तरह आदमी सीख सीख के लड़खड़ा के गिरते पड़ते अपने मंजिल तक पहुंच ही जाता है। जो अभी आपने कहा कि बस अपना बेस्ट करते जाओ, अपना जो काम है उसमें लगे रहो, तो एक तरीके से आप कह रहे हो कि जो फल की इच्छा होती है उस पे ज्यादा फोकस मत करो, उसके आउटकम पे बहुत ज्यादा फोकस मत करो। इस फिलॉसफी ने आपको कितना हेल्प किया आपके करियर में? यही मेरे फिलॉसफी है, यही तो सब कुछ है। मतलब अपना काम करो ईमानदारी से, अपना 100% दो जिस भी काम को, फिर वो काम का नतीजा निकलता है तो अच्छी बात है, नहीं निकलता है तो कोई बात नहीं। अगर किसी काम में सफलता नहीं मिलती है तो मैं सोचता हूँ कि भगवान का मेरे लिए कोई दूसरी योजना है, कोई दूसरा प्लान है। तो मैं ये क्यों सोचूं कि मैं ये नहीं कर पाया हूं, तो मैं जीवन में अभी कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। देर आर ऑलवेज बेटर थिंग्स इन स्टोर। हाँ, उसके लिए मगर उस तरह का मतलब भगवान पे विश्वास और भरोसा होना चाहिए। ये नहीं कि आधा अधूरा या शर्त या भरोसा कि अगर भगवान तुमने मेरे लिए ये कर दिया तो मैं ये करूंगा या मैं नहीं करूंगा, वो नहीं। शर्त या भरोसा नहीं होता, अगर आपने भरोसा किया तो पूरा भरोसा। तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि अगर कहीं पर मुझे विफलता भी मिलती है या मिली है तो मैं उससे बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता था कि वो जो ऊपर वाला है वो मेरे लिए अच्छा ही सोचेगा, क्योंकि मेरे मन में कोई छल कपट नहीं, कोई किसी के लिए कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं। तो मैं तो अपना ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, तो वो मेरे साथ अन्याय क्यों करेगा? और अभी तक कभी कोई अन्याय हुआ नहीं। हाँ, मैंने लाइफ में सेटबैक्स भी देखे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कभी मैं हार मतलब हार देखते हुए भी मैंने कभी हार माना नहीं, मानी नहीं, क्योंकि मुझे मालूम था कि हाँ। तो ये बात। तो अब जैसे आप फिल्म इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हो, मस्ट बी अ डिफिकल्ट जॉब, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, इतने सारा आपको मैनेजमेंट करना पड़ता है, कुछ डिफिकल्ट सिचुएशंस भी आती होंगी, आप इतने सारे यंगस्टर्स से इंटरेक्ट करते हो, तो आप क्या सोचते हो कि कौन सी वो तीन या चार क्वालिटीज होती हैं यंगस्टर्स में से देख के हमें पता चलता है कि आगे जाके ये बहुत कुछ करेंगे या ये उतना कुछ नहीं कर पाएंगे? हाउ यू डिस्टिंग्विश यंगस्टर्स हु आर गोइंग टू मेक इट बिग एंड हु आर नॉट गोइंग टू मेक इट बिग? व्हाट आर द क्वालिटीज? पहला क्वालिटी ये है कि दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि देयर आर नो शॉर्टकट्स इन लाइफ। ओके, कोई शॉर्टकट नहीं है, यू शुड बी रेडी टू वर्क हार्ड। तो अगर आपके पेरेंट्स बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं, बहुत रिच हैं, और आपको ऐसा लगता है कि उसके दम पर आप आगे निकल जाएंगे जीवन में, तो ये बहुत बड़ा भ्रम है, क्योंकि वो रिच एंड सक्सेसफुल है उनके कर्मों से, उनके कर्म आप पे ट्रांसफर नहीं होंगे। आपकी जिंदगी आपकी अपनी है, हर व्यक्ति इस दुनिया में अलग है। अब हम सब हो सकता है कि हमने एक परिवार में जन्म लिया हो, लेकिन सब अलग अलग भाग्य लेके आते हैं। हमारे हाथ के पांचों उंगली बराबर नहीं होते, सबके अलग अलग है। तो इसलिए पहली चीज ये कि देयर आर नो शॉर्टकट्स, यू शुड बी रेडी टू वर्क हार्ड। दूसरा है ऑलवेज बी पॉजिटिव इन लाइफ। किसी चीज से को आप ये ना समझो कि बस दिस इज द एंड ऑफ द रोड, अब मैं आगे कुछ नहीं कर सकता हूँ, इसके आगे बस मेरे अब मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। ये एटीट्यूड ये कभी भी मन में होना ही नहीं चाहिए। अगर कहीं पर आपको जो चाहिए वो नहीं मिल पाया तो कोई बात नहीं, या तो आप उस पर लगे रहो, या फिर आप समझ लो कि हाँ ये मेरे बस की बात नहीं है, ये मेरा चॉइस ही गलत था, मुझे कुछ और करना चाहिए। इसका मैं एक उदाहरण दूं कि जैसे हमारे FTI में, आपको पता होगा कि FTI जो है वो इंडिया का सबसे टॉप इंस्टीट्यूट है। मैं उसको कहता हूँ कि ये सिनेमा की IIT है। जैसे लोग इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने IIT जाते हैं, तो हर हिंदुस्तानी जो है वो जो इंजीनियर बनना चाहता है उसका ख्वाब होता है कि IIT में पढ़ाई करे। कोई मैनेजमेंट की पढ़ाई करना चाहता है तो वो सोचता है कि मैं IIM में जाऊं। तो उसी तरह सिनेमा की पढ़ाई में जो अल्टीमेट इंस्टीट्यूट इंडिया में FTI है। अब हमारे यहाँ जो इंस्टीट्यूट में जो स्टूडेंट्स आते हैं तो उनमें से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो इंजीनियरिंग करके आए होते हैं। तो मैं उनको कभी कभी पूछता हूँ कि भाई क्या बात है, आपने केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, फिर आपने 2-3 साल कोई बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी की और फिर आप FTI की तरफ आ गए, बिल्कुल अनकनेक्टेड। अब केमिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग का क्या लेना देना सिनेमा से? तो मुझे अक्सर ये यंग लोग ये कहते हैं कि हम लोग मतलब इंजीनियरिंग हम अपने ना पेरेंट्स के दबाव में आके कर देते हैं। सब जगह एक्चुअली दबाव बहुत है सोसाइटी का, पेरेंट्स का इतना ज्यादा प्रेशर होता है ना, वो आपके सिर पे नहीं आपकी छाती पे बैठे होते हैं। अधिकतर पेरेंट्स छाती पे बैठ जाते हैं कि नहीं नहीं तुम यही करोगे जो हम कह रहे हैं। तो उस दबाव में आकर वो जो लड़का या लड़की है वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो पूरी कर लेता है, लेकिन लास्ट में आते आते उसको ये लगता है कि नहीं ये मैंने जबरदस्ती में किया है, यहाँ मेरा मन नहीं है, मेरा इंटरेस्ट तो फोटोग्राफी में है, मुझे तो फोटोग्राफी
पसंद है, मुझे तो फिल्में बनाना है इसका शौक है, मुझे तो फिल्में फिल्मों का शौक है, मुझे तो सिनेमाटोग्राफर बनना है। तो फिर ऐसा होता है कि फिर वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो कर लेते हैं, एक आध साल नौकरी कर ली, उसके बाद वो घर में बन जाते हैं बागी, रिबेल, बगावत करते हैं घरों। हमारे यहाँ जो एफटीआई में जो स्टूडेंट्स आते हैं, 10 में से 8 स्टूडेंट जो है वो बागी होते हैं, वो घर से लड़ झगड़ कर आए होते हैं। आज भी हिंदुस्तान में कोई पेरेंट ऐसा नहीं है जो अपनी मर्जी से या पीठ थपथपाकर अपने बेटे या बेटी को बोले कि जा एफटीआई में जाकर पढ़ाई कर। हाँ, आईआईटी के लिए वो जरूर कहेंगे, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, लॉ, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए जरूर वो पीठ थपथपाएंगे कि जा अकाउंटेंसी की पढ़ाई कर, इसकी कर। लेकिन एफटीआई जा ये कहने वाले आज भी लाखों में एक पेरेंट होगा। तो अल्टीमेटली जो स्टूडेंट यहाँ आता है ना, वो घर से लड़के ही आता है, और जिस उसके अंदर वो पैशन होता है, वो दूसरा पॉइंट है जो मैं बता रहा हूँ कि जो करना है लाइफ में ना, एक पैशन होना चाहिए। पैशन यानी एक वो बर्निंग डिजायर, कि अगर जैसे किसी ने अगर किसी का सर पानी के नीचे रख दिया तो जो छटपटाहट होती है ना श्वास लेने की, वैसी छटपटाहट जब तक अंदर ना हो ना, तब तक आदमी आगे की सोच ही नहीं सकता। तो हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स आते हैं वो सब कुछ छोड़कर घर घर मतलब माँ बाप से लड़कर अपने इंजीनियरिंग का करियर छोड़कर तब वो इस तरफ रुख करते हैं। तो जब वो फिर एफटीआई में आते हैं तो दे टर्न आउट टू बी एक्सट्रीमली गुड स्टूडेंट्स, क्योंकि वो कर रहे होते हैं जिसमें उनका दिल लगा हुआ, जिसमें उनका मन लगा, जिसके लिए वो सबसे संबंध तोड़ के सबसे रिश्ते बिगाड़ के आ गए। तो जिसको इंग्लिश में कहते हैं ना बर्निंग द ब्रिजेस, आपके पीछे जो कुछ है आपने वो सब फूंक दिया, अब आप पीछे देख ही नहीं सकते, अब आपको आगे ही देखना है। तो ये जब स्पिरिट होता है ना व्यक्ति में, जब ये एटीट्यूड होता है, ये अप्रोच होता है लाइफ में कि नहीं बस मुझे यही करना है और मैं यही करूंगी, तो फिर मुझे लगता है कि पूरी मतलब पूरा जो ये सृष्टि है ना वो आपकी मदद करता है, एंड इट फैसिलिटेट्स, वो आपको उस मुकाम पर पहुंचने में मदद मिलती है। कौन से एटीट्यूड्स हैं जो यंगस्टर्स में होते हैं तो उनकी प्रोग्रेस मुश्किल हो जाती है, सम ऑफ द एटीट्यूड्स व्हिच दे शुड गिव अप? एक तो यही शॉर्टकट वाला कि मतलब ऐसे वैसे करके जैसे तैसे यार कर लो, मतलब खासकर ये उन दौरों में होता है जिनके माँ बाप बहुत बहुत अमीर हैं, बहुत संपन्न लोग हैं, तो उनको ये लगता है कि कोई कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ज्यादा पढ़ पाऊं या ना पढ़ पाऊं, संभालना तो मैंने अपने बाप की का बिजनेस है या उनका उनका ये काम संभालना है मैंने, तो वो एक चीज होता है कि आप हमेशा शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं। दूसरा मैंने देखा है कि हमारा है ना मतलब हम लोग किसी चीज में ना गहरे नहीं उतरते, बहुत सतही होते हैं, बहुत सरफेस पे रहते हैं, हमने क्या करना है, और उसका दोष मतलब पेरेंट्स का भी नहीं है, कुछ दोष तो हमारी पूरे सिस्टम का ही है जिसमें हमें कोई ये एनकरेज ही नहीं करता हम किसी चीज के गहरे में जाए। और आज की पीढ़ी तो और ज्यादा दे आर टोटली ऑन द सरफेस, ये जो डिजिटल जनरेशन है ना, डिजिटल जनरेशन वो किसी बात की गहराई में उतरते हुए मुझे लगता नहीं कि वो कितने गहरे में जाते हैं। सोशल मीडिया का भी इसमें एक रोल है कि आप डेप्थ में जा नहीं पाते, अटेंशन स्पैन कम हो गए लोगों के। हाँ, और आउटवर्ड अपीयरेंसेस पर ज्यादा जोर होता है कि आप कैसे दिखते हैं, आप कैसे बोलते हैं, लोग सोचते हैं कि मतलब आप अगर ऑर्नामेंटल हैं, आप अपने आप को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं तो फिर वही सब कुछ है। लेकिन अच्छे से प्रेजेंट करने के बाद भी मतलब अगर आपको नौकरी मिल जाती है तो भी जिसने आपको लिया है वो महीने दो महीने में जान लेगा कि आपका असली स्वभाव क्या है, तो आप बहुत लंबे समय तक लोगों को आप इस तरह मतलब भ्रमित नहीं कर सकते, उनको बेवकूफ भी नहीं बना सकते। अल्टीमेटली आपने वो ना वो इनर आपने वो एक जिसको ऑथेंटिसिटी कहते हैं ना वो होनी चाहिए कि आप जो काम करो वो काम आप मन लगा के करो और अच्छे से करो।